नौटंकी करने वाली नहीं बल्कि आपकी भाभी है, तो थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। और ऐसे भी घर बहू का ज्यादा और बेटी का कम होता है। चार्ज छोड़ने के बाद हमें पता चल गया है। इसी तेवर के कारण तुम चार्ज का मान जा रही हो, और सुधरोगे नहीं तो लौट कर कभी आओगी भी नहीं। वो तो कल सुबह ही पता चलेगा, फिलहाल नींद आ रही है। आप भी सो जाइए और हम भी सो जाते हैं। ये दिल में यही गिरा देती हूँ, काशी भाभी के आने का समय हो गया है, क्योंकि उसे तो समय पे आरती करनी है और सबकी नजर में महान बनना है। और जब वो आएंगी और गिर जाएंगी, फिर सबसे कहूंगी कि चांस ना जाने के लिए फिर से एक नया नाटक करने लगी। घर में पहले सबसे उसे गुस्सा थे और ये नोटें की वजह से और गुस्सा हो जाएंगे, और फिर काशी भाभी को चांस जाना पड़ेगा। शायद हमें चार्ज जाने से रोक लेंगे। काशी का जगने का समय हो गया है। उसे कहती हूँ कि आरती मैं कर लेती हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। इससे पहले कि वो बाजी का मन बदले, उसे चार्ज जाने के लिए तैयार करना होगा। वो जल्द से जल्द चार्ज जाए, यही अच्छा है। क्या इस तरफ से क्यों आ रही है काशी भाभी? जल्दी से राधा। सासू माँ आई। अब ठीक तो है ना? ध्यान से, ध्यान से। अरे चीमा जी, जाओ वैद्य को बुला कर लाओ। जी बाबा। अगर राय को पता चल गया कि उन्हें ये चोट मेरे वजह से लगी है, तो वो मुझे सजा देंगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बस थोड़ी देर आई, वैद्य जी आते ही होंगे। तब तक हम आपके पैरों की मालिश कर देते हैं। पर राधा भाई, आप ऐसे चलते चलते गिर कैसे गई? गिरे को आई तेल। ये तो सच में तेल है। कावेरी, यहाँ तेल किसने गिराया? क्षमा कीजिए मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। काशी भाभी, सच बताओ, ये आपने किया है ना?
क्या? हम ऐसा क्यों करेंगे? अनु भाई, काशी भाई अपनी सासू माँ को ऐसी पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस पर बार बार आरोप लगाना बंद करो। हाँ अनु, तुम्हें हर समय काशी की गलती ढूंढने के अलावा कुछ दिखता भी है या नहीं? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कह रही कि काशी भाभी ने आई के लिए तिल गिराया। काशी भाभी ने इसलिए तिल गिराया होगा कि यहाँ पे कोई भी गिर जाए और वो उनकी सेवा करने के लिए रुक जाए, है ना काशी भाभी? अनु भाई, ये ठीक नहीं है। और आप हम पर ऐसे झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो कह रही हूँ आपने इससे पहले भी तो चेस्कम में ना जाने के लिए औषधि पी के बेहोश हो गए थे। और अभी नई तरकीब, मैं आपको अच्छे से पहचान गई हूँ और मैं यकीन से कह रही हूँ कि आरोप नहीं है बल्कि ये सब कुछ आपने किया। हाँ, ये सच है कि हम चेस नहीं जाना चाहते हैं। और ये भी सच है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। और अपने फायदे के लिए हम किसी को तकलीफ क्यों दें? और इतना घटिया काम हम तो सोच भी नहीं सकते। हाँ अनु भाई, लाडू ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, हमारी लाडू ऐसा कभी नहीं करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अगर इसने नहीं किया तो किसने किया? चास जाने के लिए ऐसा कुछ करना संभव है, किंतु कोई तो झूठ बोल रहा है, बता नहीं रहा है। नहीं सासू माँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जानते हैं, आपकी नजरों में हमने बहुत सारी चीजें की है जो विश्वास करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तो विश्वास दिलाओ हमें, जाओ और अंदर जाकर चास कमान जाने के लिए तैयार हो जाओ। ताकि कम से कम इन लोगों को विश्वास तो रहे कि तुमने चास ना जाने के लिए ये सब नहीं किया है। आइए वैद्य जी, देखिए। गंगा, कृष्णाराव, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हमें समय से चास कमर निकलना है। लाडू, बाहर सबने जो कहा उससे अपना दिल छोटा मत करो। चलो चास चलते। और वैसे भी विवाह के बाद तुम एक बार भी चास नहीं गई हो। हाँ लाडू, मत सोचो कुछ भी, चलते हैं अपने घर। कहते हैं जगह बदलने से मन भी बदल जाता है। मन तो बदल गया, बस जगह बदलनी बाकी है। चलो अब जाकर अपने कक्ष में अपना सामान रखो। नहीं लाडू, मैं और कृष्णा बाऊ तुम्हारी मदद करेंगे, है ना कृष्णा बाऊ? हाँ। Thank you.
सुनो। जी मालिक। काशी गंगा और कृष्णाराव का सामान बाहर लेकर आओ। जो क्या मालिक? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे जाने दो भाई, मुझे माफी दे दी गई है। यहाँ काम करूंगा तभी तो अपना ऋण चुका पाऊंगा। सुखी रहो। पेशवा सरकार की जय हो। बाहर वो गद्दार सैनिक फिर से यह काम पे आया है। उसे वही मुख्य दरवाजे पे रोक दिया गया है। उसे वही से वापस भेजें या फिर से काम पे रखें? जब उसे माफी दी जा चुकी है तो उसे लौटाना क्यों? उसे काम पे रख लो और उसे उसी टुकड़ी में शामिल करो जो हमारे साथ चास कमान चलेगी। जी बाजी, गद्दार है वो, उसका तुम्हारे साथ चलना उचित नहीं है। नहीं आई, अब वो गद्दार नहीं है। जब उसे माफी दी जा चुकी है तो उसके साथ गद्दारों जैसा व्यवहार क्यों करना? ये बस मैंने इसलिए किया ताकि तुमको थोड़ा अच्छा लगे काशी। बैरी बाजी, इस घर से निकलकर चास जाने की बात आपने शुरू की थी और हमें आपके कारण ही चास जाना पड़ रहा है, आपसे दूर जाना पड़ रहा है और ये हम कभी नहीं भूलेंगे। बेवकूफ किसी और को बनाना, मुझे नहीं। तेल तूने गिराया था, अगर मेरे सिवाय इस घर में किसी और को चोट लगती, यहां तक कि काशी को चोट लगती, तो सबके सामने थप्पड़ मारती। चोट मुझे लगी इसलिए सबके सामने कुछ नहीं कहा। ये संस्कार तो नहीं दिए तुम्हें? क्यों किया ऐसा? आइंदा ऐसा किया ना तो याद रखना। बाबा, मोटी आई, छोटी आई। अरे धीरे 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 रामचंद्र, क्या हुआ? वो बहुत खुश नजर आ रहे हो रामचंद्र, क्या बात है? हाँ छोटी आई, बात खुशी की है। लाडू और जमाई बाबू यहाँ आ रहे हैं। वो लोग चास की सीमा पार कर चुके, किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता? सासवड़ से ऐसी कोई सूचना आई नहीं है। बाबा, उनका काफिला चास की सीमा के बाहर रुका था और घोड़े को पानी पिला रहे थे, तभी वीराजी के सैनिक वहां से आ रहे थे, उन्होंने आके सूचित किया। लाडू और जमाई बाबू आ रहे? अरे तुम खड़े क्यों? जाकर सबसे कहो कि लाडू और जमाई बाबू के स्वागत की तैयारी करें, और हाँ, जमाई बाबू का कमरा भी ठीक से तैयार कर दे। आपको पता है आज सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही थी, लग ही रहा था कि कुछ शुभ होगा, और देखिए ना, रात होते होते शुभ समाचार भी मिल गया। लाडू और जमाई बाबू पहली बार विवाह के बाद घर आ रहे। अरे ताई, बस बस, थोड़ा आराम से चलिए बाहर। चलिए बाबा, तैयारी करते हैं, चलो। ताई, एक बात बोलूं, इस तरह उन दोनों का अचानक आना कुछ सही नहीं लग रहा, क्या बात हो सकती है? शिव भाई, हर बार ऐसी सोच रखना अच्छा नहीं। लाडू और जमाई बाबू पहली बार घर आ रहे विवाह के बाद, अब इस बात की खुशी मनाओ, ना कि इसमें भी मीन मेक निकालो। चलो। जी, आज आप विवाह पश्चात पहली बार आए हो, किंतु कुछ बिना बताए ऐसे अचानक कैसे आना हुआ?
लाडू आओ। अरे जमाई बापू के लिए पानी लाना। आओ लाडू, तुम भी थक गई होगी, बैठो यहाँ पे, ये लो लीजिए पानी पीजिए। धन्यवाद। अब जमाई बापू, वैसे आपने बताया नहीं, अचानक ऐसे कैसे आना हुआ? वो तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही मतलब समझे नहीं, और लाडू के चेहरे पे भी वो मायके आने वाली खुशी दिख नहीं रही, और ये कोई संतोष की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बाजी, आप हमारे घर के दामाद हैं, तो हम में और आप में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। आप हमें साफ साफ बता सकते हैं। कहीं हमारी लाडू से कोई भूल तो नहीं हुई ना? नहीं, काशी ने कोई गलती नहीं की है, बस उसके सही करने का तरीका। बाकी लोगों से अलग है। मतलब? आप पहले मत बुझाइए, साफ साफ कहिए ना, बात क्या है? बात कुछ नहीं है मुठे। वो सासवड़ में जितने लोग हैं, हमने सबकी सोच से अलग विचार रखे हैं, और ये बात बैरी बाजी को बुरी लगती। काशी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हुआ मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बाबा द्वारा एक गद्दार को दी जा रही फांसी की सजा को काशी की भावुकता की वजह से बदलना पड़ा, और यह हम में से किसी को सही नहीं लगा। बस इसी कारण, इसीलिए अचानक से काशी को चास छोड़ने आना पड़ा। ये सही नहीं हुआ बाजीराव। हमारी लाडू तो अभी छोटी है, पर आपकी आई तो बड़ी है ना, समझदार है। उन्हें तो लाडू को समझना चाहिए था, और अगर उनकी नजर में काशी ने कोई धृष्टता की, अवज्ञा की, अपमान किया, तो वो उसे समझाती? ऐसे चास का मान भेज दिया? विवाह से पूर्व तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। मैंने तब भी कहा था कि आपका घर हमारी लाडू के योग्य नहीं। शिव भाई, नहीं ताई, और आज जब निभाने की बारी आई तो धैर्य बरतने की बजाय ऐसे चास कमान भेज दिया हमारे पास। राधा बाई हमें समझती क्या है कि हम पहले अपनी बेटी को आपके घर रहने के योग्य बनाएं, उसके बाद आप विदा करके लेके जाएंगे? ये क्या बात हुई? अब बिना परिस्थिति को समझे मेरी आई के बारे में कुछ भी बोले जा रही है? अच्छा, और आपकी आई और घर में बाकी लोग नहीं थे क्या? उन्होंने क्यों नहीं रोका? शिव भाई, हो सकता है कि उस वक्त परिस्थिति ऐसी ना हो कि कोई कुछ कर पाया हो, और ऐसा हुआ भी है तो क्या हुआ, लाडू आई भी तो अपने मायके है ना। कृष्णराव, यहाँ आओ, जीजा जी को उनका कक्ष दिखाओ, लेके जाओ, जाइए। आप दोनों समझदार हैं, बातों का मर्म अच्छे से समझते हैं, पर सवाल तो बनते हैं ना। पहले लाडू बिना सूचना के यहाँ आ गई, और जमाई बापू ने भी आकर ये नहीं कहा कि वो लाडू को लेकर आए हैं, बल्कि ये कहा कि लाडू को छोड़ने आए हैं। हमने लाडू का विवाह इसलिए नहीं किया कि वो यहाँ आकर रहे। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत बार ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ देते हैं और कभी लेने भी नहीं आते। शिव भाई, मैं नहीं चाहते कि हमारी लाडू के साथ भी ऐसा। काशी,
बहुत दिनों से मैं चाहती थी कि तुम चास चली जाओ, आखिरकार तुम चली गई। अब तक तो पहुंच गई होगी, अब मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय तक चास में ही रहो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये डर बैठा रहे कि अगर यहाँ ससुराल में तुम अपना पक्ष सोच समझ कर नहीं रखोगी तो तुम्हें जीवन भर चास में ही रहना पड़ेगा, अपने मायके में। और यहाँ सासवड़ के लोगों में भी ये संदेश पहुंच जाएगा कि काशी को सजा के रूप में चास भेज दिया गया है, इसीलिए तुम्हारा कुछ दिनों के लिए चास में रहना ही उचित होगा काशी।